स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर क्या करना है अपने को क्लासीफाई करना है। ओके बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, पहले हाफ मीन्स रेवेन्यू है, कैपिटल वो लिखते हैं, फिर रीजन डालते हैं। रीजन 5-6 पैराग्राफ, एक दो लाइन बहुत हो गया। ओके, कुछ बच्चों लोग को आता रहेगा तो 5-6 लाइन लिखेंगे, हाँ नहीं आता रहेगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। गुड, चल। स्पेंट ₹500,000 ऑन अ कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग द चार्जेस ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी इम्पोर्टेड। सर क्या है सर ये, इतना तो समझ में कुछ नहीं समझ, मशीन है यार, मशीन एसेट्स है, हाँ ओके ना। इम्पोर्टेड, व्हाट इज इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट बाहर से मंगाना, आयात निर्यात, बाहर से जब खरीदते तो इसको हम लोग इम्पोर्ट, और बाहर से बाहर बेचते तो एक्सपोर्ट। तो इसका होता है बाहर देश से मशीन मंगा रहे हो, खरीद रहे हो, तो मशीन खरीद रहे हो मतलब इम्पोर्ट मतलब परचेज। अब पर्चे वर्ड यूज़ करते हैं, अगर विद इन द इंडिया रहेगा तो पर्चे वर्ड यूज़ करेंगे, इंडिया से बाहर से खरीदे तो इम्पोर्ट यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे इंडिया के बाउंड्री से बाहर से कोई सामान आएगा आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है। पिक्चर में देखते रहोगे कस्टम ऑफिसर, यू अंडर अरेस्ट, कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पे, तो आपको कस्टम ड्यूटी भरने हैं। तो जब भी बाहर देश से कोई भी सामान आता है इंडिया में तो आपको क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी, एक तरह का टैक्स। बता, पिकनिक सब लोग गए हैं ना, सब लोग एक्सपीरियंस तो रहेगा ही, यस। तो टोल नाका पड़ता है बीच में, टोल नाका, तो टोल नाका पे टोल टैक्स देना पड़ता है। सर हम लोग जाते थे ना, सो जाते बस में तो जब बस बीच में रुकेगा ना तो सब समवेयर एक या दो बार तो पड़ता ही टोल, तो टोल टैक्स देना पड़ता है। जैसे एक जिला क्रॉस किया दूसरे जिला को जा रहे हम लोग, अब मुंबई से पनवेल जा रहे हो, मुंबई से थाने जा रहे हो, मुंबई से आपका विरार जा रहे हो, तब वो क्या हो रहा, आपका बाउंड्री क्रॉस हो रहा जिला का, तो आपको टोल टैक्स देना है। वैसे जब मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, महाराष्ट्र से यूपी जाना है, महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, तो आपको एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है, ओके ना। तो वैसे जैसे ही बाउंड्री क्रॉस होता है तो जब जिला के लिए क्या है, टोल टैक्स, स्टेट के लिए एक्साइज ड्यूटी, कंट्री का बाउंड्री क्रॉस किया तो कस्टम ड्यूटी, ओके। अब बिना वो कस्टम ड्यूटी भरे वहाँ का जो कस्टम ऑफिसर है वो मशीन को मेरे को आने देगा बाहर नहीं, जब तक कस्टम ड्यूटी का मैं रसीद नहीं दिखाऊंगा तब तक वो मशीन को जब्त कर लेगा, ओके। और जब मशीन जब्त हो गया तो मशीन यूज़ भी नहीं होगा, तो मशीन खरीदने के लिए आप जो भी खर्चा, इतना लॉजिक याद रखना है, एनी एसेट परचेज कर रहे हम लोग और उस टाइम कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, सब क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट खरीद रहे हो आप, एसेट खरीदते समय कुछ भी खर्चा करते हो वो सब क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक कल के तो उन्होंने वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन लाया तो मशीन फिट करने का खर्चा, तो एसेट खरीदते समय जो भी खर्च हुआ रहेगा ना वो सब क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो स्पेंड 5,000 ऑन द कस्टम ड्यूटी फॉर क्लियरिंग चार्जेस ऑन द अकाउंट ऑफ मशीन इम्पोर्ट। मशीन आपने परचेज किया था उसको क्लियरिंग चार्ज मतलब क्लियर करना, क्लियर करना मतलब जब मशीन आता है तो आपका जो कस्टम ऑफिसर के गोडाउन में जाएगा वो, अब आप अपना रसीद पे दिखाओ कौन सा कस्टम ड्यूटी का, तब वो आपको मशीन बाहर ले जाने देगा, अदरवाइज मशीन वहीं रहेगा। हाँ गांव से लेके गया, यहाँ से बुक करा के लेके जाते गांव बाइक, ओके। तो रसीद यहाँ पे आपने जो भी पेमेंट किया उसका रसीद दिखाओगे तो लोग उधर रिलीज करेंगे पैसे, हाँ यार गुड। दैट इज़ कॉल्ड मशीन रिसीव, क्या आएगा लॉजिक क्या है, असेट खरीदने में जो भी खर्च हुआ रहेगा सब क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि ना। तो पहला पॉइंट में आ जाएगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। कस्टम ड्यूटी पेड, पेड ऑन मशीन इंपोर्टेड, तो कस्टम ड्यूटी पेड ऑन द मशीनरी इंपोर्टेड इज
ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कस्टम ड्यूटी रोज भरना पड़ेगा? तो रेयर हो गया या नॉन रिकरिंग नेचर। ओके बच्चों, तो नॉन रिकरिंग नेचर, दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैलरी इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैलरी, गैलरी मालूम है ना, इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। अब मान लो ये आपका इतना बड़ा ऑफिस है, ओके कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन मार दिया और इधर का दीवार को ओपन कर देते, गैलरी बन गया। अब गैलरी का क्या फ़ायदा है? सर चोर लोग जल्दी आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है? बढ़िया बेनिफिट ऑफ गैलरी, फ्रेश हवा आएगा ना, और वो पैक रहेगा तो गैलरी है तो एटलीस्ट ओके ब्रीज हवा तो आएगा। ऑफिस में काम करते थे एकदम स्ट्रेस हो रहा है, तो आप 5-10 मिनट गैलरी में वॉकिंग कर सकते हो तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। राइट, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी क्या आएगा ये? क्यों बच्ची पास पेन आप बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे ना, तो फिर पेन रहो ना, जो बोल रहे थे अगर चलो ठीक बोलो। यस गुड, गैलरी का कंस्ट्रक्शन आप उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म मिलेगा, कि हर साल तो पार्टीशन नहीं बनाना है, एक बार दीवार तोड़ के आपने बना लिया है तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है एरिया। तो हमें जानते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी जब फिक्स असेट्स में आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा इसका यूज, तो क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी इज अ फिक्स असेट्स। एंड यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी हमेशा क्या होता है? फिक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म है। ओके, रिसीव अमाउंट ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, रिसीव्ड अमाउंट ऑन अ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्या है? कौन बोल रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? देना नहीं है, गुड। और कोई कुछ रहा है, और कोई है कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता हो गलत सही? खाना खा के ही ना कुछ, हाँ पैसा आ रहा कि जा रहा है? जा रहा है, ये तो मौर्य तो और एकदम। आप बोलना चाहोगी? नहीं बोलोगी? बोलो ही नहीं, क्योंकि अभी कल का कुछ पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बोलो भाई। क्यों एक्सपेंडिचर क्यों है? उसको पॉज करो, तो रिसीव अमाउंट ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर सोल्ड कर रहा हूँ। एसेट्स एक ऐसा चीज है जो हम रोज खरीदते नहीं है और ना ही रोज बेचते हैं, ये वंस इन अ वाइल होने वाली चीज़ें हैं। ओके, मैं बेंच एक खरीदा था पहले, अब मैं रोज़ खरीदते बैठूँ? ओके, अगर मान लो यहाँ पे क्लास में जो चेंज करना है या नहीं पढ़ाना है तो बेंच बेच दूंगा, तो क्या रोज़ होएगा ये? नहीं। असेट सोल्ड, असेट परचेज रेयर एक्टिविटीज है। जब सोल्ड किया तो पैसा जा, सॉरी परचेज किया तो पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, और सोल्ड कर रहा तो पैसे आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसीव अमाउंट ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच के आप पैसे रिसीव कर रहे हो, तो एक तो पहले पैसे आ रहा है पहली बात तो, हाँ तो एक्सपेंडिचर तो नहीं है, रिसिप्ट है। अब वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है?
तो देख रेवेन्यू होने का मतलब क्या, रेगुलर पैसे आता है। तो क्या आप रेगुलर फर्नीचर बेच रहे हो क्या? नहीं, कभी कभार बेचते हो आप, इसलिए रेयरेस्ट है। ओके, और जब रेयरेस्ट तो क्या आएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट, सेल ऑफ फर्नीचर इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कभी कभार होने वाला है। ओके, तो फर्नीचर इतना याद रखना, कभी भी असेट्स परचे असेट सोल्ड, ये दोनों एक्टिविटी ऐसा है जो कभी कभार होता है, रोज नहीं होएगा। जब रोज नहीं होगा तो क्या रहेगा, ये कैपिटल। अब सोल्ड है तो पैसे आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। परचेज किया तो पैसे जा रहा है, पैसे जा रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके ना, आप जब सोल्ड कर रहे हो तो पैसे आएगा अपने को, तो कैपिटल रिसिप्ट। परचेज कर रहा हूँ तो पैसे जा रहा है, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ही पॉइंट नहीं पकड़ के चलना है कि रीपे नहीं करना है, तो मतलब दूसरा पॉइंट भी पकड़ना है। ठीक है, अमाउंट रिसीव ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, पहले सुने हो डिबेंचर कौन, एसपी स्टूडेंट है यहाँ पर, ट्वेल्थ में एसपी स्टूडेंट सब लोग थे ना, कोई आईटी स्टूडेंट है, अब आईटी स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ में आईटी था, एसपी भी था, तो एसपी था ना। ओके, तो एसपी में था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, आरती ऐसा करे आप एस पी नहीं देख क्या, तो आई टी मैथ, आई टी हिंदी, आई टी वाले लोग। ओके, तो इशू ऑफ शेयर क्या होता, बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, तो लोगों से पैसे इकट्ठा करते हो लोग। ओके, तो उसको बोलते हैं लोग शेयर और डिबेंचर। तो मान लो अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा भाई आप लोग 100 रुपये मुझे दो, मैं आपके पैसे लेके भाग नहीं जाऊँगा, बिजनेस करूँगा, बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें आपको हिस्सा दूंगा। ओके, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कहाँ से देंगे, तो ये कंपनी प्रॉफिट में क्या, तो आपको कुछ मिलेगा। तो आपने 100 रुपये कंपनी में डाला, कंपनी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया बना के कि आपने 100 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो सर्टिफिकेट क्या है, शेयर और डिबेंचर। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर डिबेंचर जो होता है हर दिन नहीं इशू होता, मैं रोज़ रोज़ के आदमी से नहीं लूँगा। आप 100 रुपये आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, अब वो कंपनी बिजनेस कर रहा है, फिर कल बोलूँगा भाई फिर 100 रुपये लाओ, आरती दे देगी 100 रुपये, परसों फिर आरती बोलेगी क्या क्या 100 रुपये रोज रोज मांग रहे आप। तो ऐसा वंस इन अ वाइल होता है, रोज़ नहीं। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब इशू मतलब सेल, सर्टिफिकेट कंपनी बेचता है, तो सर्टिफिकेट बेच के पैसे अरेंज करने का काम कभी कभार होता है, रोज़ नहीं होता है। ओके, तब इशू मतलब सेल है, और शेयर बेचने का काम रोज नहीं होता है, तो क्या है फिर ये, कैपिटल रिसिप्ट के कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, क्योंकि सेल करूँ तो पैसे आएगा, है ना। इशू मतलब सेल, हाँ, इशू मीन सेल, तो सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिबेंचर, ये कभी कभार होने वाले हैं। जब परचेज करोगे तो खर्चा होगा अपना, एक्सपेंडिचर, बेच रहे तो पैसे आ रहा है तो इनकम है, तो रिसिप्ट है। ओके ना, आप देखना रिसिप्ट में कौन सा है, क्या रेगुलर है कि कभी कभार है, तो क्या है, कभी कभार होने वाला है। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट, इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ओके। चलो नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, सुने हो रिन्यूअल, रिन्यूअल सुनी है क्या होता है, बस पास रिन्यू नहीं सुनी है, बस का पास रिन्यू करना होता है, क्या होते हैं, मेट्रो का पास रिन्यू करना है, सुनिए रिन्यू ना,
लाइसेंस आ क्या बोल रहे हो? क्यों भाई वापस से हम लोग लाइसेंस को और लॉन्ग टर्म के लिए फिर से रिन्यू कर रहे हैं? अब उधर थोड़ी है लॉन्ग टर्म, मतलब कभी कभार होता है सर। नहीं नहीं बस का 5 महीने में बंद करना। आजकल अभी ज्यादातर जो लाइसेंस है वो एक एक साल का ही हो रहा है, वो गुमस्ता लाइसेंस दुकान शॉपकीपर का, अब तो बंद ही हो गया है। अरे ओके ना, नहीं तो पहले वो हर साल आपको रिन्यू करने हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री अगर रहेगा तो उसको 5 साल में रिन्यू होता है, इधर कुछ मेंशन नहीं है। तो लाइसेंस रिन्यू करना, तो लाइसेंस आपको 1 साल के लिए मिला, 1 साल का परमिट, बस पास जब लॉरी ट्रक का परमिट होता है ना, सुने परमिट, तो जो यार मुंबई से अंधेरी तक जाते हैं, मतलब मुंबई से बाहर तक जाते हैं, तो लोगों को परमिट मिलता है, वो परमिट 1 साल तक का लाइसेंस है आपको। तो फिर अगले साल फिर से क्या करना पड़ेगा? सुने कोई ड्राइवर के मुँह से कि लाइसेंस परमिट कैंसिल हो रहा है, परमिट को रिन्यू करना पड़ेगा। ओके ना, तो कितना सा 5-6 साल का होता है वो, ज़्यादातर केस में 6 महीने 1 साल का और परमिट मिलता है, और परमिट उसके बाद फिर क्या करना है उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। ओके तो क्या आएगा ये कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको हर 6 महीने या साल भर में रिन्यू करने हैं। अनलेस वहाँ बोला रहेगा कि कोई फैक्ट्री है और लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल का रिन्यूअल है, कुछ नहीं बोला रहेगा तो उसको रेवेन्यू लेके ट्रीट करना है लाइसेंस का। ओके फिर तो क्या है कैपिटल क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस इज व्हाट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। ओके बार बार होने वाला है आपको, बार बार आपको रिन्यू करने है, अगर जब तक आपको बिजनेस करना है तब तक करना पड़ेगा, तो जब बार बार करना है तो इसलिए क्या है वो रिकरिंग नेचर वाला है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है इतना इतना कंप्लीट करो, तो पॉज करो। चलो नेक्स्ट क्या है लाइसेंस फीस पेड फॉर कैरिंग ऑन अ वर्क ऑफ अ फैक्ट्री। अगर बच्चों मैंने इसलिए जानबूझ के डाला दोनों, लाइसेंस फीस पेड फॉर कैरिंग ऑन अ वर्क ऑफ फैक्ट्री। अब बच्चों जो छोटे मोटे जैसे शॉपकीपर रिटेल दुकान होता है, रिटेल दुकान ये लोगों को लाइसेंस साल का लेना पड़ता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो हर साल लाइसेंस नहीं लेते बैठेगा, वो 5-10 साल का लॉन्ग टर्म होता है। ओके ना, अब ये फैक्ट्री के लिए लाइसेंस है तब ये क्या आएगा लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि वो फैक्ट्री का कि किसका, जब नहीं मेंशन किया तो हम लोग समझेंगे रेवेन्यू है रूटीन है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लाइसेंस फीस किसके लिए है, कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के काम के लिए आपने लाइसेंस दिया। अब फैक्ट्री कोई भी डालता है तो लॉन्ग टर्म के लिए डालेगा, तो उसके लाइसेंस का परमिट जो मिला है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है तो क्या होगा ये कैपिटल एक्सपेंस। मालूम है क्या बोला दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि वो क्या फैक्ट्री का है कि आपका शॉपकीपर स्मॉल क्या बोलते हैं रिटेलर्स, तो हम लोग रेगुलर लेंगे। यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि वो फैक्ट्री के लिए है, तो फैक्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म का लाइसेंस होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइसेंस फॉर फैक्ट्री। बिना लाइसेंस लिए फैक्ट्री स्टार्ट होएगा? नहीं। जब फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होता कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होएगा, अब प्रोडक्शन नहीं होता आपको कोई आमदनी नहीं होएगा, जब तक लाइसेंस नहीं मिला तो काम तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना। इसका मतलब लाइसेंस की वजह से काम करने की क्षमता कैपेसिटी बढ़ेगा ना, आपने लाइसेंस जब तक लाइसेंस नहीं तो कंपनी बंद पड़ा हुआ है, जब लाइसेंस लिया तो कंपनी अब स्टार्ट होएगा तो काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बहुत सारे फैक्ट्री ऐसे होते हैं जो नाइट खाली डे में काम करते हैं, नाइट में उनको परमिशन नहीं है, नाइट में काम करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। देखो बीच में जो मेट्रो ट्रेन बन रहा था तो रात को धा 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 वहाँ ड्रिल करते थे लोग, चोर लोग बहुत जगह पे कंप्लेन कर दिए कि भाई रात को पब्लिक सोएगा कि जो हमारा धड़ धड़ का आवाज़ सुनेगा भाई ना,
तो बहुत जगह पे हाई कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ा कि बिकॉज दिन में ट्रैफिक रहता तो काम कैसे होएगा, तीसरे रात को ट्रैफिक कम होता है तो रात में वो लोग काम करते हैं ना। तो दैट इज आपको इस तरह से परमिशन लेने पड़ते हैं कोई भी काम करने के लिए। सो लाइसेंस ऑफ फैक्ट्री क्या आएगा, ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग और गिव्स द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड इंक्रीज, क्या इंक्रीज, यस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ाएगा, जिससे क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कोई है माइका लाल, नहीं बोलोगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों 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 हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड, क्योंकि मशीन रोज नहीं बेचेगा, कभी कभार बेचेगा ना, और देखिए उस पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होता तो कैपिटल रिसिप्ट होता था, अभी था ना, सेल ऑन मशीन फर्नीचर, फर्नीचर बेच रहा हूँ तो जो पैसे आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट हुआ, यहाँ पे बेचने से क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। अब मैं एक वर्ड वहाँ पे चेंज करूँगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बोला, मैं लिखूँगा वर्ड कैपिटल लॉस, वही है एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन हम लोग वर्ड जब लॉस दिया रहा है तो एक्सपेंडिचर जब क्या वर्ड यूज़ करो आप, लॉस यूज़ करो, कैपिटल लॉस है। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, मशीन बेचने का काम रोज होता है क्या, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इज ऑफ नॉन रिकरिंग। अब था सब शांत रहना, एक जन बहुत सोया हुआ, कब से बोल ही नहीं रहा है कुछ। हैवी एडवर्टीजमेंट मीन ऑन द एडवर्टीजमेंट, सॉरी हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, क्या चीज़ें कर रही हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, अमन बोलो, हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट, पहले मतलब क्या इसका है, हाँ तो क्या आएगा, ये कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, पक्का, क्यों, क्योंकि कभी कभार ही मतलब अमाउंट मतलब लगा है। ओके, और कौन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि हैवी अमाउंट स्पेंड कर रहा है और ये कभी कभार का खर्चा है रोज का, और कौन बोल रहा है, इतना चलो, हैवी एडवर्टीजमेंट स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट पार्ट, वेर एवर एडवर्टीजमेंट वर्ड आया, वेर एवर एडवर्टीजमेंट, तो दो केस होते, नॉर्मल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हैवी अमाउंट रहेगा तो इट इज कॉल्ड डिफर्ड एक्सपेंडिचर। व्हाई, बिकॉज इससे कोई असेट्स क्रिएशन नहीं होता है। हैवी एडवर्टीजमेंट डजंट क्रिएट एनी असेट्स। ओके बच्चों, जब कोई आप ऐसा खर्चा कर रहे हो, भले बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो, लेकिन उससे कोई असेट्स क्रिएट, अभी ने क्या बोला, अभी 50,000 का मैं ऐड करूं या 50,000 का दो एसी ले लूं, मुझे ज्यादा फायदा किसमें देगा, अगर दो एसी रहेगा तो बच्चे ज़्यादा आएंगे, वो एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा आएंगे, लेकिन ऐड डाल दिया मैंने, कोई गारंटी ले रहा है कि मेरे को इतने 200 बच्चे भेज देंगे मेरे को, बहुत लोग ऐड देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं आएंगे, टीवी पे दिन भर तो ऐड ही जाता है ना,
मुश्किल से 10 मिनट का सीरियल आता है, 20 मिनट का तो ऐड ही रहता है उसमें, सब देखते हैं ऐड। तो ये सब खरीदते क्या सामान? नहीं, नहीं। तो ऐड कोई गारंटी नहीं देता कि वो सामान हमारा बेच के देगा वो। ओके, तो रिमेम्बर, अगर अमाउंट के बारे में बोला हैवी है कि स्मॉल, हैवी अमाउंट आया तो डिफर्ड, खाली बोला एडवर्टीजमेंट तो क्या करेंगे हम लोग? रेवेन्यू। इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। ओके, तो मैं इसमें दोनों लिख देता हूँ, एडवर्टीजमेंट अगर नॉर्मल है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि रिकरिंग नेचर का है। अगर हैवी अमाउंट स्पेंड हुआ है तो डिफर्ड है, वाई? बिकॉज डज नॉट क्रिएट एनी असेट्स। ओके बच्चों लोग, चल देन क्या है? लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर। कौन बोलेगा? बोलो बोलो। नहीं बोलोगे मत बोलो भाई। टेल टेल सो लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर। इतना देखना, इशू ऑफ शेयर इज द शेयर इशूड रेगुलरली और कभी कभार रेयरली, एडियर रेयरली होता है। ओके, तो उससे रिलेटेड जो भी लीगल खर्चे कानूनी खर्चे हैं वो सब क्या होंगे? कभी कभार ही होने वाले। ओके ना, एक्सपेंसेस ऑन लीगल एक्टिविटीज of issue of share is a what? Recurring, non-recurring? Non-recurring nature. Okay. Cost of repainting or redecorating the cinema house. Is a khamas rogi? Cost of repainting and redecorating the cinema house. Capital. Capital. क्यों? क्योंकि cinema house को एक ही बार repainting करेंगे और हमें दो long term के लिए benefit। पक्का? मतलब एक बार painting के उसका फायदा? Capital. क्यों? सर वो अपना capacity उसकी बढ़ गई। पेंटिंग करने से कैपेसिटी बढ़ता है। अब लाइन पे ही क्यों डिफर्ड? क्योंकि तब पेंटिंग और डेकोरेटिंग का वो हमें सिर्फ 2-3 साल तक की बेनिफिट। हाँ, कौन ऐसा पेंटिंग है भाई जो 10-20 साल का फायदा देगा? हाँ, 3-4 साल देगा। हाँ, अच्छे से मारेंगे। ओके ना, वो टीवी पे वो खाली वो शाहरुख खान का नेहरू लैक दिखता बस। ओके, ऐसा हम लोग के घर पे तो नहीं होता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग एंड रीडेकोरेटिंग, अगर उधर दिया जाएगा रेगुलर पेंटिंग करता है, ए भाई रुको, इफ देयर इज अ रेगुलर पेंटिंग, रेगुलर मतलब रोज कर, हर साल कर रहा है, तब तो फिर रेवेन्यू आएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल इसका बेनिफिट आपको 3-4 साल तक मिलेगा। ओके, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। और कैपेसिटी क्यों बढ़ेगा भाई? रीडेकोरेट मतलब होता है डेकोरेट मतलब पंखा बनाना, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग एंड रीडेकोरेटिंग gives benefit for कितना year? For 3 to 4 years। okay, 3-4 साल का benefit देगा, that's why it is a deferred। okay चलो,